हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सृष्टि उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर में आपको बताया गया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसमें लिविंग थिंग्स भी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, दोनों हैं। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनमें समानताएं और इनमें अंतर, ये सारी बातों को आप लोगों ने पढ़ लिया था। अब आज आपको पढ़ाना है मुझे न्यूट्रिशन, लेकिन इससे पहले आपको जो पहला टॉपिक बताया गया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स में, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, सेल्स, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड डेथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली एंड रिप्रोडक्शन। अब ये सब क्या है बेटा, ये सब लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं। इन सारी बातों को हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे आपने पहला देखा सेल वाला जो ये पहली हेडिंग है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कोई डिफरेंट बात नहीं है, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है किसी भी लिविंग थिंग्स का, वो सेल होता है। हर एक एनिमल की बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है। कल आपको एक एग्जांपल सिखाया गया था कि सेल को हम लोग चलो ईंट से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कोई भी मकान एक ईंट से मिलकर के बना होता है, बहुत सारी ईंट मिलकर के एक दीवार बनाती हैं, ऐसे ही बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फिर तीन चार दीवारें मिलकर के क्या बना लेती हैं, एक रूम बना लेती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिला करके एक ऑर्गन बना दिए, जैसे हमारा हाथ बन के तैयार हो गया। फिर बहुत सारे दीवारें मिलकर के, यानी कि बहुत सारा रूम बनेगा तो फिर एक घर बन जाएगा। तो ऐसे ही जो बहुत सारा अंग होगा, हाथ बन गया, पैर बन गया, मुंह बन गया, सब कुछ बन करके एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो ईंट से कंपेयर इसी नाते किया गया सेल को, कि जैसे ईंट काम करता है यूनिट की तरह मकान के, ऐसे ही बॉडी के यूनिट की तरह सेल काम करता है। कुछ एनिमल्स बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी बॉडी एक सेल की बनी होती है, जैसे अमीबा पैरामीशियम, और कुछ एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है, जैसे कि हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो भी बड़े बड़े हमको दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक आपका रिवाइज हो गया। अब हमको पढ़ना है आज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है, ये भी लिविंग थिंग्स का एक फीचर है, सजीव वस्तुओं का एक लक्षण है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स तो न्यूट्रिशन करेंगी नहीं, खाना खाएंगी नहीं, है ना। तो देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू सर्वाइव, ग्रो एंड डेवलप। जब कोई लिविंग थिंग होती है तो उसके कैरेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि वो ग्रोथ करती है और डेवलप करती है, बढ़ती रहती है ना। तो उसमें ग्रोथ होगा कैसे, ग्रोथ उसमें तब होगा जब उसे न्यूट्रिशन होगा, जब उसे खाना मिलेगा, ठीक है। तो सारी सजीव वस्तुओं को खाने की ज़रूरत होती है, और खाना उनको क्यों ज़रूरी होता है, जीने के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेस। फूड जो होता है बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए एनर्जी देता है, शरीर को काम करने के लिए क्या देता है, एनर्जी देता है। इट प्रमोट्स ग्रोथ, ये क्या हो करता है, ग्रोथ भी करवाता है। अब सारे एनिमल्स को, सारे ऑर्गेनिजम्स को खाना ज़रूरी होता है जीने के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ फूड जो होता है बेटा, ये वेरियस प्रोसेस बहुत सारे काम के लिए एनर्जी देता है और ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। शरीर में ग्रोथ भी कौन करवाता है, फूड। प्लांट्स आर द मेन फूड प्रोवाइडर्स टू ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट्स होते हैं इनको कहा जाता है प्रोड्यूसर। इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही मुख्य होते हैं जो कि सबको खाना देते हैं। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बना लेते हैं, प्लांट्स को हम लोग खाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम कुछ लोग तो कार्निवोर होते हैं, कार्निवोर नहीं कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन कहेंगे, है ना। या जानवर के केस में कार्निवोर कहेंगे, ह्यूमन की केस में नॉन वेजिटेरियन कहेंगे, जो लोग मांस खाते हैं। अब मांस खाने वाले लोग कैसे पेड़ पौधों को खाएंगे, खाएंगे ना, क्योंकि जो भी खाएगा, जैसे कोई आदमी है वो किसको खा रहा है, बकरी को खा रहा है, तो बकरी ने क्या खाया है, घास खाया है। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, सारे एनिमल्स, सारे आदमी, सब लोग किस पर डिपेंड हैं, प्लांट्स पर डिपेंड है फूड के लिए। तो इस तरह से प्लांट क्या हो गए, मेन फूड प्रोवाइडर्स हो गए। ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो हरे पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बना लेते हैं। दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटीरियल्स टू ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन। अब खाना बनाते कैसे हैं प्लांट्स, तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और रॉ मटेरियल्स जैसे कि मिनरल्स का यूज करके वो अपना खाना बना लेते हैं। दे आर हैंस कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। चूँकि पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं इसी नाते इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये भी आपने पढ़ लिया है कि सारे एनिमल्स, सारे जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है। अब ये अलग बात हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई डायरेक्ट पौधों को खाता है, कोई इनडायरेक्टली। अब देखेंगे, हैंस दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉप। अब जो लोग प्लांट्स पे डिपेंड होंगे फूड के लिए उनको क्या कहेंगे हम लोग, हेटरोट्रॉप कहेंगे, परपोषी। और ऑटोट्रॉप मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद से बना ले, एंड जो हेटरोट्रॉप है जो अपना भोजन दूसरों से ले। तो न्यूट्रिशन वाला पॉइंट हम लोगों ने फिनिश किया। न्यूट्रिशन का मतलब क्या कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और फूड हमको एनर्जी देता है ना, काम करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमको क्या चाहिए, फूड चाहिए। इसके अलावा जो एनिमल्स या जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स तो बनाएंगे नहीं, प्लांट्स ही अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। तो सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड खुद से बनाते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप कहा जाता है। और सारे एनिमल्स क्या होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, इसीलिए एनिमल्स को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट फीचर है बेटा लिविंग थिंग्स का मूवमेंट। ठीक है, लिविंग थिंग्स का नेक्स्ट फीचर क्या है, मूवमेंट। तो देखते हैं, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मूवमेंट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट में, किसी भी पार्ट में जो चेंज होता है उसको कहा जाता है मूवमेंट। जैसे पेड़ के पत्ते हिलते हैं ना, तो उसे भी हम लोग मूवमेंट कहते हैं। कोई भी पार्ट हिल रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मूवमेंट। All organisms show movement in some way of the others. सारे organisms जो होते हैं वो movement show करते हैं। Animals move one place from another place. Animals move from one place to another. जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर आते जाते रहते हैं, आपको भी पता है क्यों, इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, खाना खोजने के लिए, जगह रहने की खोजने के लिए, तो वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते रहते हैं। सच ए मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन। अब ऐसा मूवमेंट जब कोई एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है ना, तो ऐसे मूवमेंट को लोकोमोशन कहा जाता है। और जब किसी ऑर्गेनिज्म का कोई एक दो पार्ट हिल रहा है या उसका सारा पार्ट हिल रहा है लेकिन वो एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर नहीं जा रहा है, तो उसे मूवमेंट कहेंगे, हिलना डुलना। ठीक है, और लोकोमोशन मतलब एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाना, एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना, उसे हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। जो जानवर होते हैं वो खाना की खोज में, पानी की खोज में, रहने की जगह के खोज में एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, साथ ही साथ अपने शत्रुओं से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। ठीक है, एनिमीज से बचने के लिए। अ लिजर्ड क्रॉल्स, एक जो छिपकली होती है वो रेंगती है, आपको पता है। बर्ड्स उड़ती हैं, मछलियाँ तैरती हैं, पानी में रहती हैं। एनिमल्स ऑन लैंड यूज लेग्स फॉर मूवमेंट। अब क्या होगा, जो छिपकली है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है बेटा, वो कैसे लोकोमोशन कर रही है, रेंग रेंग करके, क्योंकि वो रेप्टाइल होती है। बर्ड्स उड़ती हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए, मछलियाँ जो होती हैं तैरती हैं, हम लोग जो हैं वो पैरों का यूज करके चल रहे हैं, गाय भैंस बफेलो आप जो भी देख रहे हो वो सब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर अपने पैरों की मदद से जाते हैं। अब हमको मूवमेंट देखना है। मूवमेंट इन प्लांट्स इज नॉट विजिबल एज दे आर रूटेड। अब जो पौधों में मूवमेंट होता है वो हमको दिखता नहीं है, दिखता है जब हवा चलती है तो हिलते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन उनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी रूट्स होती हैं, वो जमीन में अटैच्ड होती हैं। बट दे शो मूवमेंट, लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, वो मूवमेंट शो करते हैं। रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो इन डायरेक्शन ऑफ वाटर एंड लीव्स टर्न टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। अब आप सबको पता है, इसके पहले वाले चैप्टर में बताया गया था कि जो पौधे का रूट होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, क्यों, क्योंकि उसे वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, और जो पौधों की पत्तियां होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, क्योंकि वो सनलाइट की हेल्प से उनको खाना बनाना होता है। तो इस तरह से प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। रूट्स ऑफ अ प्लांट, ये तो हमने पढ़ लिया है। सनफ्लावर, लोटस एंड वाटर लिली टर्न टू फेस द सन। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि हम कह सकते हैं सेंसिटिव होते हैं, शो करते हैं मूवमेंट अपना सूर्य की तरफ।
जैसे कि आपने सूरजमुखी देखा होगा, सूरजमुखी का नाम सूरजमुखी इसलिए है क्योंकि जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ उस फ्लावर का मुंह होता है। जैसे जैसे सूरज दूसरे डायरेक्शन में जाता है वैसे वैसे फ्लावर भी दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। वाटर लिली भी है, ये भी सन के डायरेक्शन में ही अपना इसका फूल खिला हुआ रहता है। लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट ड्रॉप व्हेन टच्ड, अब मिमोसा जो छुई मुई का पौधा होता है उसे जब हम लोग छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, यानी कि पत्तियाँ मूवमेंट शो कर रही हैं, है ना बेटा। तो जो भी मिमोसा का प्लांट देखा होगा उसको पता होगा कि वो पत्तियाँ कैसे सिकुड़ जाती हैं छूने पे, इसलिए उसको छुई मुई कहा जाता है। तो इस तरह से प्लांट मूवमेंट शो कर रहे हैं और एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं। कुछ एनिमल्स भी होंगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे जो कि मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते हैं। तो ये आपका लिविंग थिंग्स का थर्ड फीचर हो गया। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा, सेल से बनी होती है बॉडी, न्यूट्रिशन पढ़ा, मूवमेंट पढ़ा। मूवमेंट मतलब कि जब बॉडी का कोई पार्ट मूव करे, ठीक है, अपना पोजीशन चेंज करे लेकिन एक जगह से दूसरे जगह पर ना जाए। लोकोमोशन जो होगा उसमें एनिमल एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स क्या करते हैं बेटा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट शो करते हैं। तो प्लांट्स ज़्यादातर मूवमेंट शो करेंगे और एनिमल्स ज़्यादातर मूवमेंट शो करेंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। प्लांट ज़्यादातर मूवमेंट शो करेंगे एंड एनिमल्स ज़्यादातर लोकोमोशन शो करेंगे। अधिकतर एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन ही करते हैं। अब नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग है ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ग्रोथ एंड डेथ। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ मतलब हम लोग देखते हैं प्लांट्स को भी एनिमल्स को भी, जब आप कोई छोटा सा पौधा लगाते हो फिर धीरे धीरे उसमें हमको ग्रोथ दिखाई देता है। आप बीज बोते हो, देखते हो बीज से पहले एक नया सा कह सकते हैं बेबी प्लांट जर्मिनेट होता है, बेबी प्लांट से और पत्तियां होंगी और पत्तियां होंगी, यानी कि सेल डिवीजन होते होते वो बड़ा सा पौधा बन जाता है। ऐसे आप लोग छोटे से पहले क्या थे, LKG UKG में थे, बहुत छोटे थे, फिर धीरे धीरे आप सेकेंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, अब सिक्स क्लास में पहुँच गए हैं। देखे होंगे अपने आप में ही आपने चेंज देखा होगा। आप अपने बचपन का फोटो उठा के देखिए, आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे, और जब और बड़े हो जाओगे तो और भी चेंजेस होंगे। तो ये क्या है बेटा, ये ग्रोथ है। हर एक एनिमल जो भी दुनिया में पैदा होता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ करता है, ठीक है, और ग्रोथ का टाइम एक निश्चित होता है। जब ग्रोथ हो जाती है फिर उसकी एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे सबका लाइफ साइकिल है 10 साल 20 साल 50 साल, जिसकी जो एज होती है उस हिसाब से फिर उसकी डेथ हो जाती है। जो भी आदमी पैदा हुआ है उसकी क्या होनी है, डेथ होनी है। तो ग्रोथ मीन्स देखिएगा, ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन साइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। ग्रोथ जो है बॉडी की साइज और शेप में चेंज होना, और क्यों चेंज होता है, क्योंकि नई नई सेल्स बनती हैं शरीर में, नई नई सेल्स बनती हैं, इससे क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो अंडरलाइन करके इस बात को आपको लर्न कर लेना है कि ग्रोथ मीन्स क्या होता है, कि बॉडी में नई नई सेल्स बनेंगी और बॉडी का साइज बढ़ जाएगा और मोटे हो जाएंगे और लंबे हो जाएंगे। ग्रोथ इज ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ग्रोथ जो है एक परमानेंट चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। जब एक बार बॉडी की ग्रोथ हो गई तो फिर उसे हम घटा नहीं सकते हैं। आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में आप लिख सकते हो कि ग्रोथ भी क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि फिर से ग्रोथ को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। डज योर स्कूल यूनिफॉर्म यू वोर इन क्लास सेकेंड फिट्स यू नाउ। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो यूनिफॉर्म आप लोग क्लास सेकेंड में पहन के जाते थे स्कूल में, वो यूनिफॉर्म अब आप पहन सकते हैं, बिल्कुल नहीं पहन सकते, क्योंकि वो आपको फिट नहीं होगा। उस टाइम पे आप छोटे थे, आपके बॉडी में आपने न्यूट्रिशन किया, आप खाना खाए, आपको पता है ना कि खाना ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, आपने फूड लिया, आपकी बॉडी में नई नई सेल्स बनी और आप बड़े हो गए। नो It will not. अब ये नहीं होगा आपको फिट। Have you seen the difference in the size of plants around you? और आप लोगों ने अपने आसपास के पौधों में भी इस तरह से changes देखे होंगे। A puppy grows into a dog. और छोटा सा जो पप्पी होता है dog का baby, वो भी grow होकर के क्या बन जाता है बेटा, dog बन जाता है। All these examples tell us that living things grow. और ये सब examples हमको बताते हैं कि living things जो हैं वो growth करते हैं। उनमें बराबर क्या हो रहा है, growth हो रहा है। कैसे growth हो रहा है, नए नए सेल्स के बनने की वजह से। आगे देखेंगे, एनिमल्स स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर अ सर्टेन एज। एक निश्चित अवस्था के बाद एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रोथ करना बंद कर देते हैं, ठीक है।
However, plants keep on growing throughout their life, जबकि पौधे जो होते हैं वो पूरी लाइफ अपने लाइफ टाइम तक क्या करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। बहुत सारे पौधे हम देखते हैं ना, काटते जाओ पौधा भले सूख जाएगा लेकिन उसमें नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं, ग्रोथ होता रहता है। तो प्लांट्स जो हैं वो लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड तक ग्रोथ करते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सेलुलर मटेरियल। अब जो कहेंगे मैम, जिस बॉडी का जो जिसकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई है, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं अमीबा पैरामीशियम, उनकी बॉडी एक ही सेल की बनी है, तो उनमें कैसे ग्रोथ होगा? तो बेटा उनमें भी ग्रोथ होता है। जो सेल के अंदर मटीरियल होता है, अमीबा के बॉडी में जो भरा होगा, लिक्विड भरा होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, तो वही सारा मटीरियल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है? उनकी सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, एक ही सेल है वही थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ग्रोथ से कंसीडर कर देंगे। ग्रोथ अकर्स इंटरनली, जो ग्रोथ होता है वो अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। आपको मोटा होना है तो आप अंदर से मोटे होंगे, ये नहीं कि आप अपने बॉडी पर मिट्टी लगा करके मोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो ग्रोथ जो होता है बेटा वो अंदर से होता है, जब आपको अच्छी खासी न्यूट्रिशन मिलती है। यू मे ऑल्सो फाइंड नॉन लिविंग थिंग्स सच एज क्रिस्टल्स ग्रोइंग। आपने नॉन लिविंग थिंग्स को भी बढ़ते हुए देखा होगा, जैसे क्रिस्टल्स को बढ़ते हुए देखा होगा। इन दीज केसेस ग्रोथ इज एक्सटर्नल, और नॉन लिविंग थिंग्स के केस में हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक्सटर्नल है। बाहर से हम नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ा छोटा कर सकते हैं ना, और वो तो रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, फिर हम घटा भी सकते हैं। अगर लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हो रहे हैं तो उसको हम घटा नहीं सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में अगर ग्रोथ हो रहा है, बाहर से ग्रोथ हो रहा है, बाहर से ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम घटा सकते हैं ना, तो यही चीज़ है। आगे देखते हैं, मटेरियल्स आर एडेड फ्रॉम आउटसाइड ओनली टू चेंज द साइज ऑफ द क्रिस्टल। जो मटेरियल हम लोग बाहर से लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में, तो उससे क्या हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है। These changes are temporary और reversible, और ये जो changes होते हैं, ये जो परिवर्तन होते हैं, ये अस्थायी होते हैं और reversible होते हैं, यानी कि हम फिर से इनको छोटा कर सकते हैं, एक बार size बढ़ाएंगे और फिर से क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। Living things have a definite life span। बहुत अच्छी बात है, और आप सबको पता है कि जो लिविंग थिंग होगा, जो सजीव वस्तु होगी, उसके पास एक फिक्स लाइफ स्पॉन होता है। लाइफ स्पॉन मतलब एज जिसे कहेंगे, एक आयु होगी फिक्स, जैसे कुत्ते की 10-12 साल, 13 साल, ठीक है, हॉर्स की कुछ होगी, गाय की कुछ होगी, ऐसे ही सारे लिविंग थिंग्स का एक फिक्स लाइफ स्पॉन होता है, उसी में वो पैदा होंगे, ग्रोथ करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। दे आर बॉर्न, दे ग्रो एंड दे डाई। वो पैदा होते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस में अपने समान बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव एनी लाइफ स्पॉन, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, जो निर्जीव वस्तुएं होंगी, उनके पास कोई लाइफ स्पॉन नहीं होता है। दे आर नॉट बॉर्न हेंस दे डू नॉट डाई। वो ना तो पैदा होते हैं ना ही मरते हैं, है ना। तो आप लोगों ने ग्रोथ और डेथ में क्या समझा, कि ग्रोथ जो होती है वो इंटरनली होती है, किसमें, लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स में ग्रोथ अंदर से होता है, और कैसे होता है, सेल्स जो होती हैं डिवाइड कर करके न्यू सेल्स बनाती हैं। इस तरह से आपने अगर नॉन लिविंग थिंग्स में देखा होगा, तो नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होता है एक्सटर्नली, बाहर से होता है, जिसे आप बाद में घटा सकते हो, ठीक है। तो जो भी लिविंग थिंग होगा उसका एक फिक्स लाइफ स्पॉन होता है, वो चीज़ें पैदा होती हैं, ग्रो करती हैं और फिर लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से हमने ग्रोथ एंड डेथ वाला पॉइंट भी ख़त्म कर लिया है लिविंग थिंग्स का, जो नेक्स्ट फीचर था। और नेक्स्ट फीचर है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड डेथ, एंड फिर क्या है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिए।